हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ट्रांसफार्मर से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगा जो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में कि इसमें इतनी सारी वायरें क्यों होती है, कलर क्यों होते हैं इतने सारे। तो मैं कुछ थोड़ी सी बातें बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो पहली बात यह कि ट्रांसफार्मर जो है बेसिकली दो काम के लिए सबसे पहले यूज़ किया जाता है। इसमें एक तो है, पहली चीज़ ये कि ये स्टेप डाउन करने के लिए होता है और दूसरी जो है ये जो है आइसोलेटेड होता है, मतलब इसमें इधर की करंट इधर जाने हैं, शॉर्ट प्रूफ होता है। तो दो रीज़न है जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और तीसरी बात यह है ये काफ़ी सिंपल सा सर होता है। तो इसमें जो है ये मतलब ट्रांसफार्मर काफ़ी तरह का आता है, जैसे कि फ्लाईबैक होता है आपका, और फ्लाईबैक होता है, स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, इन्वर्टर के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इस ट्रांसफार्मर की बात करूँगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें आप देख रहे होंगे कि पाँच तार देख रहे होंगे, दो रेड है, रेड वाले दिख रहे होंगे, और इसमें एक साइड जो है ब्लू और रेड है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान, यहाँ पे प्रिंट भी हो पा रहा है 12012, ये जो है ट्रांसफार्मर 12012 500 मिली एम्पेयर का है। तो इसमें यानी कि 12 जो है 500 मिली एम्पेयर और 12 जो है 500 मिली एम्पेयर, जीरो जो है दोनों का कॉमन होगा। तो 12 12 की इसमें डबल पावर सप्लाई है, दो पावर सप्लाई है। और ये जो है आपको रेड ट्रांसफार्मर में हमेशा जब भी रेड अगर वायर है उसके अंदर एक साइड में, तो रेड वायर हमेशा 220 वोल्ट इनपुट एसी होता है इसके अंदर में। जो ये होता है ये आपका मेन वायर होता है, जो कि इनपुट हाई वोल्टेज साइड वाला जो वायर होता है वो हमेशा रेड वाला ही वायर होता है, ज़्यादा रेड वायर होते हैं इसके अंदर में। और इसके अंदर जो होता है आपका डबल पावर सप्लाई होता है अगर आप इसको बनाएंगे तो। इसमें जो होता है एक और भी बात ये होता है कि इसमें या तो, अब इसमें क्या चीज़ है, एक तो या तो ये आपका 12 वोल्ट हो जाता है, और इसमें फिर एक कॉमन हम इसको लेते हैं ये भी 12 वोल्ट होता है। तो या तो आप इसको 12 और बीच वाले को छोड़ करके आप इसको 24 वोल्ट 500 मिली एम्पियर बना सकते हैं। इसे 24 वोल्ट 500 मिली एम्पियर बन जाएगा, ऐसा जितने भी ट्रांसफॉर्मर होंगे सब में हो जाएगा। अगर वो 24 0 है, 24 है तो वो 48 हो जाएगा, और अगर वो 6 0 6 है तो वो 12 हो जाएगा इस तो एंड वाले को पकड़ने पर, बीच वाला छोड़ने में। अगर इसमें आपने 2 7 वाले को पकड़, एंड वाले को यानी 12 के जो है एंड वाले को पकड़ते हैं और इसको शॉर्ट करके डायोड से हम हाफ रेक्टिफायर जोड़ते हैं, हाफ ब्रिज रेक्टिफायर इसमें जोड़ते हैं और इस वाले से एक सर्किट बनाते हैं। तो इसमें इसमें जो है करंट दोनों का ऐड हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज जो है 12 ही हो जाएगा। तो इसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाता है इस ट्रांसफार्मर में कि आप इससे करंट भी मतलब करंट भी बढ़ा सकते हैं इसका, और वोल्टेज भी बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। तो यानी कि 12 है तो 24 भी हो जाएगा, 24 है तो 12 भी हो जाएगा। करंट 500 मिली एम्पेयर है अगर इस ट्रांसफार्मर का 12012 में, तो ये जो है 12 वोल्टेज में ये है 1 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर भी इसको आप बना सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के ट्रांसफार्मर हैं, और इसमें बहुत सारे ट्रांसफार्मर हैं। एक बात और है इस ट्रांसफार्मर में कि ये अगर इधर की साइड से इनपुट हो रहा है, इसमें हाई वोल्टेज इनपुट होता हो, तो दूसरी साइड से एसी आउटपुट ही होता है जो कि स्टेप डाउन होकर के आउट निकलता है। लेकिन अगर इधर ही हम 12 वोल्ट डालते हैं इसमें, तो 12 वोल्ट इनपुट होता है और दूसरी साइड जो है 250 वोल्ट ही आउटपुट होता है। यानी कि दोनों केस में दोनों साइड से ही काम करता है। तो दूसरी साइड से इसमें वोल्टेज डाल करके दिखाऊंगा, एसी वोल्टेज डाल करके। बट ये है कि ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे ही काम करता है, कभी भी डीसी पे काम नहीं करता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो ट्रांसफार्मर है हमेशा इनपुट एसी होता है और इसका आउटपुट हमेशा एसी ही रहता है, इसमें कभी भी डीसी आउटपुट नहीं होता है। तो डीसी के लिए हम लोग बेसिकली करते क्या है, डीसी के लिए हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर या तो आप हाफ ब्रिज लगा सकते हैं या फुल ब्रिज लगा सकते हैं, दोनों केस में काम करता है। बस हाफ ब्रिज में होता ही है कि आपको एक वायर शॉर्ट करने होते हैं, जो कि अगर आप 12012 के केस में लेते हैं तो वो 12 ही रहता है, 24 यूज़ नहीं कर सकते अगर हाफ ब्रिज में बनाते हैं। तो आप फुल ब्रिज में बनाते हैं तो आप इसका 24 भी यूज़ कर पाएंगे, और ये 250 मिली एम्पीयर, लेकिन 12012 में आपका जो है करंट बढ़ जाएगा। अगर हम आप हाफ ब्रिज में बनाते हैं तो इसमें करंट आपका बढ़ जाएगा। अब इसमें ब्रिज लगाना होता है आपको, और ब्रिज लगाने के बाद इसके अंदर एक कैपेसिटर लगाना होता है फ़िल्टर करने के लिए। और आपको ज़्यादा फ़िल्टर करना है तो उसमें आपको जो है आपको एक रेगुलेटर लगा सकते हैं जिसको और ज़्यादा फ़िल्टर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियो में ये कमेंट किया था कि यार इससे पावर सप्लाई बनाते हैं और इसमें
जो वोल्टेज दिखा रहा है वो 12 वोल्ट का पावर सप्लाई बनाते हैं, उसके अंदर 15 वोल्ट आ रहा है, कभी 18 वोल्ट आ रहा है, कभी मतलब कि कभी 6 वोल्ट में जो है 9 वोल्ट आ रहा है, 10 वोल्ट आता है, तो ऐसा इस क्यों होता है? तो एक चीज़ मैं बता दूँ, जो ये इसका जो कॉयल जो वाइंडिंग होता है, कॉयल वाइंडिंग जो होता है एवरेज मतलब 220 वोल्ट के अराउंड जो होता है इसका वाइंडिंग होता है, तो होता क्या है कि जो घर के अंदर जो बिजली होती है वो 220 वोल्टेज नहीं आता है, उससे ज़्यादा आता है। तो उससे ज़्यादा आने की वजह से जो है जिधर, क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं होता है, इसमें जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा इसके अंदर भी, तो 220 वोल्ट इनपुट होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इधर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अगर इसके पीछे से जो 220 है, अगर ये 100 वोल्टेज हो जाता है तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो ऑटोमेटिकली जो है कम भी हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है इसमें वोल्टेज ज़्यादा आता है, क्योंकि 220 वोल्ट के आसपास का इसका डिज़ाइन होता है, जिसकी वजह से इसमें वोल्टेज ज़्यादा शो होता है। बस एक यही रीज़न होता है। और अगली वीडियो में मैं आपको इसमें दो ट्रांसफार्मर को जोड़ करके और एक स्टेप डाउन स्टेप अप करा के दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, ताकि अगली बार मैं वीडियो फिर इस तरीके का बना पाऊँ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर कोई भी कमेंट, कुछ भी सवाल हो इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर, प्लीज़ कमेंट करें।